हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब बेवकूफ़ लड़का का, जिसको लिखा है रमेश जोशी ने और इसको प्रकाशित किया है राजमंगल प्रकाशन ने। इसमें पृष्ठों की संख्या है 146 और अमेजन पर इसका मूल्य ₹145 दिखा रहा है। मूल्य कम या ज़्यादा हो सकते हैं। बेवकूफ़ लड़का एक कहानी संग्रह है और इसमें कुल 9 कहानियाँ हैं। कहानियों के नाम हैं अजनबी लड़की, बूढ़ी बुढ़िया की लव स्टोरी, लव लेटर, एंजेल नेहा, नंगा जिस्म, सट्टा किंग, टिकटॉक वाली लड़की, मेरी जवानी मेरी मौत की कहानी, आखिरी रात। इसमें अधिकतर कहानियाँ अच्छी हैं तो कुछ कहानियाँ औसत दर्जे की भी हैं। कहानी एक तरफा लड़की में पहली नज़र में प्यार हुए एक तरफा प्यार को दिखाया जाता है। कहानी बूढ़े बुढ़िया की लव स्टोरी में बुढ़ापे में आने वाली समस्याओं को और उससे निजात पाने को भी दिखाया गया है। कहानी लव लेटर में स्कूल के टाइम की प्यार को दिखाया गया है। उसके अलावा एंजेल नेहा और टिकटॉक वाली दादी में सोशल मीडिया के दुष्परिणामों को दिखाया गया है। ऐसे ही कहानी नंगा जिस्म और आखिरी रात में भी औरतों की तकलीफों के बारे में बताया गया है। इसी तरह लगभग सभी कहानियों में अलग अलग टॉपिकों को लेकर एक अच्छी किताब बनाई गई है। किसी कहानी में कॉमेडी है, आप मुस्कुराते रह जाएंगे, किसी कहानी में आप बचपन को याद करेंगे और किसी कहानी में आपको संवेदना से तकलीफ भी होगी। इस मामले में लेखक साधारण भाषा में लिखते हुए भी आपका दिल जीत जाते हैं। कहीं कहीं लेखक काफ़ी गहरी बात भी करते हैं। जैसे एक जगह पर लिखा है कि थोड़ी दूर चलने के बाद उसके सामने चौराहा था। उसके मन में सवाल उठा कि कौन सा रास्ता ले, फिर खुद ही खुद पर हंस दिया। क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी रास्ते पर चल पड़ें, जिंदगी के रास्ते से ये रास्ते बहुत अलग हैं। इन रास्तों पर भटकने के बाद वापस लौटना इतना मुश्किल नहीं है जितना ज़िंदगी के गलत रास्ते पर चलने के बाद वापस लौटना है। एक जगह पर लेखक लिखते हैं कि वैसे तो हम जिंदगी में भले ही रोज़ पल पल मर रहे हैं, लेकिन मौत को सीधे गले लगाना ये इतना आसान नहीं है। जितनी आसानी से हम किसी की आत्महत्या की खबर को सुनकर दो पल में मरने वाले के प्रति दुख जताकर उस खबर को पचा देते हैं। किसी की आत्महत्या का मतलब है कि उस इंसान की सब उम्मीदों का मर जाना, और उम्मीदें किसी इंसान का तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक इंसान ये सोचता या मानता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जिस रोज़ इंसान को इस बात का पक्के तौर पर यकीन हो जाता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, उस रोज़ इंसान आत्महत्या कर लेता है। ऐसे ही कई जगहों पर लेखक ने बड़ी गहरी बातें लिखी हैं जिससे कि आप अंदर तक सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अपनी उम्र से आगे बढ़ते हुए लेखक ने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं और आपको पढ़कर आनंद आएगा और ऐसा लगेगा कि आप इन कहानियों से रूबरू हो रहे हैं जो हमेशा समाज में आप देखते आ रहे हैं। अब इसके एक दो निगेटिव पॉइंट की बातें कर लेते हैं। वैसे तो सारी कहानियाँ अच्छी थीं, लेकिन एक दो कहानियों में आपको नॉर्मल सा लगेगा क्योंकि कहानियाँ काफ़ी आसान भाषा में लिखी गई हैं और आपको हल्का सा नॉर्मल लगेगा। हालांकि ये कोई बड़ी कमी नहीं है। दूसरी बात, लेखक ने कई जगहों पर शब्दों को गलत लिखा है, जैसे कि बर्दाश्त शब्द को ये सही नहीं लिख पाए हैं। उसके अलावा एक दो शब्द और थे जो इन्होंने सही नहीं लिखा है। ओवरऑल कहानियाँ अच्छी हैं और आपको फुल पैसा वसूल करती हैं। छोटी उम्र में ऐसी कहानियाँ लिखना एक सार्थक और अच्छे लेखक की निशानी है। लेखक का भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय इस किताब के बारे में। आपकी राय मेरी राय से भिन्न हो सकती है। अगर आपने किताब पढ़ी हो तो बताइए कैसी लगी, और अगर नहीं पढ़ी तो इस किताब को पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।